गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, आई एम सुषमा वर्मा एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन समर कैंप एंड टुडेज एक्टिविटी इज पपेट डांस। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद, आई एम सुष्मिता श्रीवास्तव। टुडे एक्टिविटी इज पपेट डांस। तो आज हम लोग पपेट डांस करना सीखेंगे, बट इसके पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है? ओके। कठपुतली डांस इज वर्ल्ड फेमस डांस एंड वेल नोन एज पपेट डांस। इट इज द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम मैथोलॉजी एंड लीजेंड्स आर टोल्ड थ्रू पपेट्स इन राजस्थान। स्ट्रिंग पपेट इज वेरी मच फेमस इन राजस्थान। ट्रेडिशन ऑफ कठपुतली बेस्ड ऑन फॉक टेल्स एंड स्टोरीज। दीज पपेट्स वर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट बट ऑल्सो प्रोवाइड मॉरल एंड सोशल एजुकेशन। कठपुतली डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ओकेजन्स। कठपुतली इज वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कट विच मीन्स वुड एंड पुतली विच मीन्स पपेट। तो कट का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब पपेट। तो ये कौन सी कठपुतली है? लकड़ी की, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? वुड होता है, लकड़ियाँ होती है और ये पपेट बनी होती है, तो इसलिए इसको कठपुतली कहते हैं। और ये राजस्थान में बहुत फेमस होती है, ठीक है? इनको यूज करके, मतलब इनके थ्रू हम राजस्थान के लोग जो है कोई स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, मॉरल स्टोरीज या कोई सॉन्ग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और ये हमेशा, मतलब जब कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता है, फेस्टिवल्स होते हैं या कोई फेयर्स हो लगते हैं वहाँ पे, तो ये कठपुतली डांस का एक अलग से शॉप होती है या अलग से एक जगह बनाई जाती है, स्टॉल होती है, ये लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, इसे बहुत एंजॉय करते हैं। आज के टाइम में तो आई थिंक ये मोस्टली मिसिंग हो गया है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना रिमाइंड कराया जाए कठपुतली डांस के थ्रू, स्टूडेंट थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया जाए और इंडियन कल्चर, इट्स आवर हेरिटेज आल्सो, सो यू मस्ट बी अवेयर। तो लेट्स स्टार्ट आवर कठपुतली डांस। ओके, रंगीला भाई